इंदौर क्यों छोड़ा, अपनी जड़ों को छोड़कर क्यों निकले? और अब्बा जी थे उस समय, परिवार ने क्या रोकने की कोशिश की? और जब मैं सवाल किसी से पूछती हूँ ना जाकिर, तो मुझे याद आता है जब मैं झांसी छोड़ के निकली थी। आसान नहीं होता वो लम्हा, बहुत मुश्किल होता है, ऐसा लगता है बस कहीं से उखड़ जा रहे हैं। शायद वसीम साहब का शेर कि कुछ तो है जो घर का आनंद ही नहीं पाता, यूँ नहीं सफर में होता कोई। एक तो शायद वो हो गया था, दूसरा सितार बजाने में भी हमको बहुत वो हो रहा था, हमको लग रहा था कि बहुत लंबा सफ़र है, बहुत दिन लगेंगे, बहुत ढीला काम है। क्योंकि क्या है कि छोटे होते तो आपको बहुत जल्दी जल्दी मिल रहा होता है, एक स्कॉलरशिप लेके 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 ले। अब आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे आपको ऐसा लगेगा कि अब खुला, अब स्लो, धीमी गति के समाचार में आप जा चुके हो। क्यों, पॉलिटिक्स जैसा है ना, 50 साल के यंग म्यूजिशियन कहलाओगे आप। सही बात है, ठीक है कि हाँ वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं लोग, पैसे भी उतने नहीं है, है ना, छोटा काम अगर आप श्रोता भी नहीं है, श्रोता नहीं है उतने, और मतलब हम जिस वर्ल्ड में, और ऊपर से एक कंटिन्यूस ग्रोथ थी, पर्सनालिटी की ग्रोथ हो रही थी कि हम बात है ना, वाक चपल व्यक्ति अगर आप हो तो आपका इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है कि अभी बोला अभी आपने रिएक्ट किया, अभी बोला अभी आपने हंसा, तो इसमें बड़ा हमको हाई आ रहा था, तो हमको बड़ा वो लग रहा था कि अरे यार क्या है यार, क्या है ये इतना स्लो काम, कोई सुनता भी तो नहीं है, किसी को क्या पता, किसी पूरे कॉलेज में किसी को नहीं पता सितार क्या होता है। लोग हमको देख लेते थे, बोलते संगीत बजाता है तू, संगीत थोड़ी बजा, पूरा संगीत थोड़ी बजा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे बड़ा वो मेरी गलती रही, मेरी नासमझी रही, कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी रही मुझे उस चीज़ की। मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत डिफिकल्ट है और मुझसे होगा नहीं, और मुझे ऐसा लगा कि बाकी इस चीज़ में मुझे बड़ा जल्दी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, जल्दी हो रहा है, क्विक हो रहा है सब कुछ, बात करके कूल होगा। तो आरजे बनना था ना उस, आरजे बनना था उस हम गेरे होर्डिंग वोडिंग लगेंगे और ये वो बात करेंगे और पर्सनालिटी, और हमको लगा कि हम इतने अच्छे दिखते नहीं है, तो रेडियो में अगर हम जाएंगे तो कि लुक का कोई सीन भी नहीं है, बढ़िया कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, हम ना रेडियो में बोलेंगे और बात है तो तुम्हारा भाई फोड़ देगा, मतलब वैसा ये कॉन्फिडेंस भी था। लेकिन अब्बा जी ने रोकने की कोशिश की उस समय? उन्होंने बात करी, उन्होंने भी बात करी, सब नहीं बात करी तब तक। आप अपनी जिद से गए थे, सबकी सहमति नहीं थी उसमें? पहले उन्होंने जब शुरू में मुझे भेजा, तब उन्होंने मुझे एज पनिशमेंट भेजा था, मैं बताऊं आपको ईमानदारी से, ये लोग कोई बोलेंगे नहीं कि उनको ये था कि 3 महीने भेजते हैं, 3 महीने का ही कोर्स था, आटे दाल के भाव पता चल जाएंगे। वही हुआ है लेकिन एक तरह से देखा जाए, आटे दाल के भाव घर का लाड़ प्यार। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों की परवरिश में एक बहुत मेजर गैप है, जो लड़कियां हैं उनकी परवरिश में एक माइग्रेशन की ट्रेनिंग है, और क्योंकि अब आप अगर आप बम्बई में रहते हैं तो आपको एलए जाना पड़ेगा, है ना, लंदन जाना पड़ेगा, दिल्ली रहते हैं तो आपको जाना, सफ़र तो करना पड़ता है ना, घर का कम्फर्ट तो छोड़ना पड़ता है। लड़कों की ट्रेनिंग नहीं है माइग्रेशन वाली, उस परवरिश के अंदर वो परवरिश का हिस्सा नहीं है। लड़कियों की तो भी एक डर है कि बेटा कल को किसी के घर जाओगे, कैसे रहोगे, किसी घर जाओगे, तो हाइजीन को लेकर हर चीज को, छोटी छोटी चीजों को लेकर एक बड़ा एक काम करना भी, घर के काम, घर के काम करने के अलावा भी हाइजीन, अब कैसे आप रहते हो, आप अपना वॉशरूम कैसे यूज करते हो, सब चीज में एक वो समझ है कि भाई किसी और के घर पे खराब लगेगा, ये मत करो ऐसी हरकतें। लड़कों को वो बिल्कुल, और वो चाहे आपको अपने बेटे को, चाहे 9वीं में आप इंजीनियरिंग के लिए आप लात मार के आप भेज दे रहे हो, पर उसके पहले का जीवन आपने उसको कैसे दिया, क्या आपने उसको मेंटली इमोशनली प्रिपेयर किया इस बात के लिए? ये इमोशनली अनअवेलेबल नहीं निकलेगा तो कौन निकलेगा? ये आधी बातों का जवाब देगा, आधी बातों का नहीं जवाब देगा तो कौन नहीं देगा, यही तो देगा। तो वो था मेरे ख्याल से, वो सीखा हमने उसको।